डिसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, पहले तो इसका मतलब समझिए होता क्या है। प्रिसिडेंस मीन्स प्रियोरिटी, कि किस ऑपरेटर को किस प्रियोरिटी पे आप रखेंगे। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि अगर मोर देन वन ऑपरेटर अवेलेबल है सेम प्रियोरिटी पे, तो हम उनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे या राइट टू लेफ्ट। समझना, अगर मोर देन वन ऑपरेटर अवेलेबल है तो किसको हम लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे, इसका मतलब होता है एसोसिएटिविटी। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। पहले इसकी टेबल देखिए, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वन का वन मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वो होता है पेरेंथेसिस, ठीक। तो पी, पहले समझते हैं ये ऑपरेटर्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन कैसे ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। इसके बाद यूनरी ऑपरेटर, सारे मैंने बताए थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीप्लिकेशन, ये स्टार वाला है, एंड प्लस माइनस यूनरी। यूनरी मतलब जो सिंगल वेरिएबल पे काम करते हैं, तो यूनरी फॉर यू। देन मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन एक साथ ही मैंने बना दिया है इसमें, मल्टीप्लीकेशन डिविजन मॉड, है ना। तो ये हो गया एम। इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन है ये, तो अरिथमेटिक। इसके बाद शिफ्ट, शिफ्ट अभी जब यूज करेंगे वहां पर बता देंगे शिफ्ट क्या है। देन इसके बाद प्रायोरिटी होती है रिलेशनल ऑपरेटर की, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड ऑल। तो ये हो गया हमारा आर। इसके बाद इक्वल ऑपरेटर, इक्वल और नॉट इक्वल, तो ये दोनों इस कैटेगरी में रखे गए इक्वल। इसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर, एंड और एंड, और एंड नॉट एंड, ये बिटवाइज और एंड, ये और, तो इसको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एल्स, ठीक। इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और ये वाला, कल मैंने बताया था आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर ए हो गया, असाइनमेंट मतलब प्लस इक्वल, ये सब कल डिस्कस कर चुका हूँ मैं। एस प्लस इक्वल टू अगर लिखा हुआ है फोर, तो इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर, ये सब डिटेल में बताया था मैंने, तो असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद सीक्वेंस ऑपरेटर, ऐसे बोलते हैं कॉमा ऑपरेटर, तो ये हो गया सी। तो ये पूरी टेबल है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले सारे पैरेंथेसिस, देन यूनरी ऑपरेटर, देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं केवल मल्टीप्लिकेशन, इसमें तीनों कैटेगरी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड, ये आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। अरिथमेटिक मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन, शिफ्ट वाइज लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। इसके बाद सीक्वेंस ऑपरेटर, ऐसे ही बोलते हैं कॉमा। तो इतने ऑपरेटर होते हैं, तो अब आप इनकी प्रायोरिटी, सबसे ऊपर वाली हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसके बाद जैसे नीचे जाते हैं प्रायोरिटी डाउन होती जाती है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, सबसे पहले तो तरीका ये समझो। तो देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, ये है PUMAS, तो मैं यहाँ शॉर्ट पर लिख देता हूँ PUMAS। इसके बाद REB, इसके बाद हो गया REB और LTAC, तो LTAC, ये सारे अल्फाबेट लिख दिए ना मैंने, देखिए आप PUMAS REBL इसके बाद TAC। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, प्यूमास कंपनी है ना, तो प्यूमास को आप ऐसे याद रखिएगा प्यूमास। REB को याद कर लीजिएगा, रेबॉक से बन गया REB, लिबर्टी से बन गया L, TAC भी एक शूज की कंपनी है तो उसके आप याद कर लीजिएगा टैप। शॉर्ट में याद हो गया ये प्यूमास, रिबॉक, एल एंड टैप। तो आप इस तरीके से याद कर पाएंगे कि ये हमारा प्रीसीडेंस जो है अप टू डाउन हो गया, पैरेंथेसिस, यूनरी, मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक, शिफ्ट, इसके बाद रिलेशनल, इक्वल, इसके बाद बिटवाइज, इसके बाद लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट एंड कॉमा, ठीक। अब देखो ये तो हो गया आपका प्रेसिडेंस के लिए टेबल, ठीक है ना, ये होगी प्रेसिडेंस के लिए। अब देखिए एसोसिएटिविटी कैसे समझेंगे, तो सभी की एसोसिएटिविटी आप देखो लेफ्ट टू राइट है, केवल तीन को छोड़ के, मैंने रेड से किया हुआ है, टर्नरी, असाइनमेंट और यूनरी। तो आप इसको इस तरीके से शॉर्ट में याद कर लीजिए टाउ, TAU, ठीक।
तो TAU टाउ इसमें टर्नरी असाइनमेंट यूनरी, इनकी होती है राइट टू लेफ्ट और बाकी सभी की जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो आप इस तरीके से प्रिसिडेंस और एसोसिएटिविटी दोनों आप याद कर पाएंगे। प्रिसिडेंस कैसे याद करेंगे? प्यूमाज, रिबॉक, लिबर्टी, टेक। और एसोसिएटिविटी कैसे याद करेंगे? टाउ से, TAU। ये तरीका हो गया प्रिसिडेंट और एसोसिएटिविटी याद करने। ठीक, अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि इसका यूज कैसे होता है। अब इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई इक्वल टू 2 × 3/4 + 4/4 + 8 − 2 + 5/8। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले आप एक जगह कहीं पर लिख लीजिएगा प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंट कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे PUMAS, प्यूमास, रिबॉक, REB, लिबर्टी, TAC। ठीक, तो अब इसमें देखिए क्या है आपका, ये अरिथमेटिक लगा हुआ है। अरिथमेटिक में क्या था? प्लस और माइनस। और मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में क्या था? मल्टीप्लिकेशन था, डिवाइड बाई था और मॉड था। ठीक है ना, इन दोनों का मतलब आपको पता ही है। अगर हम इस तरीके से 5/3 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? तो अगर डिवाइडेड बाई का साइन लगाए तो ये आंसर आएगा, और अगर मॉड वाला लगाए तो ये आंसर आएगा। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था। तो अब ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन और अरिथमेटिक। अब आइए एसोसिएटिविटी लिख लेते हैं। तो TAU मैंने टाउ बताया था, टर्नरी असाइनमेंट एंड यूनरी, ये राइट टू लेफ्ट है, बाकी सब लेफ्ट टू राइट है। तो इसका मतलब इसमें तो ऐसा कोई है नहीं, ना टर्नरी है, ना असाइनमेंट है, ना यूनरी है। तो इसमें एसोसिएटिविटी कैसे चलेगी? लेफ्ट टू राइट। अब देखिए, तो इस रूल के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन, वो भी लेफ्ट टू राइट। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है? ये रहा, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो ये सॉल्व होगा। लेफ्ट में यही है सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा? 6। बाकी का पूरा एडिटिव लिख दीजिएगा। यहाँ पे बॉडमॉस जो लगाते हैं हम लोग, उस तरीके से सॉल्व मत करिएगा। लेफ्ट टू राइट और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए, अब कहीं पर क्या मल्टीप्लिकेशन है? नहीं है डिवीजन, ये भी मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है। ये देखिए तीन ऑपरेटर मैंने लिखे थे, तो दो ये आप यूज कर रहे हैं। तो दो, तो इसमें यूज कैसे करेंगे? लेफ्ट टू राइट चलना है। सबसे पहले लेफ्ट में ही था, अब ये सॉल्व हो गया, अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, 6/4। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से, बहुत तरीके से बता रहा हूं और शॉर्ट में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, है ना। तो यहाँ पे आ गया 1। प्लस 4/4 प्लस 8 − 2 प्लस 5/8 एज इट इज रहा। ओके, अब देखिए भाई मल्टीप्लिकेशन ग्रुप का क्या बचा? ये लेफ्ट टू राइट में यहां से चलेंगे तो एडिशन का आ जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये हो गया, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 + 4/4 1 प्लस 8 − 2 प्लस 5/8। अब लेफ्ट से चलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ग्रुप का ये रहा, और तो कोई है नहीं। ठीक है, तो 1 + 1 + 8 − 2 प्लस 5/8 का मतलब क्या होगा? 0, क्योंकि 8 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हो गया 0। अब देखिए, अब ये सारे मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के खत्म हो गए, अब किसके बचे? एडिशन के। एडिशन में एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा? तो एसोसिएटिविटी लगेगी, बहुत सारे ऑपरेटर्स हो गए ना, तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है इसकी? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो गया? 2 + 8 − 2 प्लस 0 को खत्म कर दिया या रखा रहने। अब लेफ्ट टू राइट, दिस वन 10 − 2 प्लस 0। अब लेफ्ट टू राइट, दिस वन 8 + 0। अब ये बचा तो क्या आ गया? 8। वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 8। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको ऑपरेटर्स दिए जाएं, तो पहले आप उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, इससे लिखे प्रायोरिटी फाइंड आउट कर लीजिएगा, जो सेम प्रायोरिटी के मिल जाए वहां पे एसोसिएटिविटी लगा के आंसर निकाल लीजिए। देखो एक और एग्जाम्पल देता हूँ आप लोग, एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखिए, 3 + 4 × 4 > 5 × 4 + 3 − 1। तो
देखो इसमें क्या क्या है, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है और अरिथमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया अरिथमेटिक। बीच में ग्रेटर देन लगा, ये क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन बताता है ना। तो देखिए रिलेशनल कहाँ पे है, ये रहा, ठीक, ह्यूमास आर रिबॉक एल टी ए से, ठीक, तो इसमें ही है सारे। और टी ए यू से देखिए टर्नरी है, कोई असाइनमेंट यूनरी ऐसा तो कुछ है नहीं, तो मतलब सबकी प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी क्या चलेगी, लेफ्ट टू राइट। तो पहले आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, उसके बाद अरिथमेटिक, इसके बाद रिलेशन, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन ग्रुप देखिए, 3+ मल्टीप्लिकेशन ये मिला लेफ्ट टू राइट में, तो कितना हो गया 16, ग्रेटर देन 5 इनटू बाकी सब एज इट इज लिख दिया मैंने। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ग्रुप कहाँ मिला आपको, ओ जस्ट अ मिनट, ये सॉल्यूशन नहीं होगा, नो नो नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेरेंथेसिस भी तो है, इसको तो भूल ही गए हम लोग। सबसे पहले पेरेंथेसिस, तो पहले क्या सॉल्व होगा, ये पेरेंथेसिस एक ही है, तो लेफ्ट टू राइट में एक ही सॉल्व हो जाएगा। तो 3+4 इंटू 4 ग्रेटर देन 5 इंटू ये 7 हो गया, तो मैं डायरेक्ट 7 लिख देता हूँ, -1। अब मल्टीप्लीकेशन ग्रुप देखिए क्या है लेफ्ट टू राइट में, ये रहा, तो 3+16 ग्रेटर देन 5 इंटू 7 -1। अब मल्टीप्लीकेशन ग्रुप का ये रहा, तो 3+16 इज ग्रेटर देन 35 -1। अब अरिथमेटिक रहा, तो लेफ्ट टू राइट, अब अरिथमेटिक वाला सॉल्व करेंगे ना, तो लेफ्ट टू राइट क्या हुआ, 19 ग्रेटर देन 35 -1। अब अरिथमेटिक ग्रुप ये रहा, लेफ्ट टू राइट यही रहेगा, तो 19 ग्रेटर देन 34। अब देखिए जब इस तरीके का होता है लेस देन ग्रेटर देन, तो अब इसमें ये देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स बेसिकली रिटर्न करता है। तो 19 का 34 से ग्रेटर देन है, नो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स या फिर 0। तो अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे हम लोग प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का यूज कर रहे हैं। आई थिंक अब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चाहो तो मैं एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल और आपके पास करा देता हूँ मैं। ये है एग्जाम्पल, इसमें x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, z z इक्वल टू y प्लस x इनटू y माइनस माइनस, ये y के साथ है और प्लस 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 x। तो पहले ऑपरेटर देख लो इसमें क्या क्या है भाई, x y z की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ऑपरेटर हो गया एक, तो मल्टीप्लिकेशन ग्रुप का हुआ, ठीक है, अरिथमेटिक ग्रुप का भी हुआ एडिशन, ठीक है, और ये y माइनस माइनस और प्लस प्लस x, ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर, मैंने बताया था, तो यूनरी ऑपरेटर, ठीक। अब प्रेसिडेंस देख लीजिए, प्रेसिडेंस सॉरी एसोसिएटिविटी देख लीजिए, तो क्या होता है, टी ए यू, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए यूनरी ऑपरेटर है, मतलब यूनरी ऑपरेटर जो होगा ये वाला चलेगा राइट टू लेफ्ट, ठीक। तो पहले यूनरी सॉल्व होगा राइट टू लेफ्ट, देन मल्टीप्लिकेशन, देन अरिथमेटिक। अब देखो y माइनस माइनस और प्लस प्लस x, इसका जरा मतलब समझ लीजिए आप। ये मैंने कहा था जब फॉर लूप बताऊंगा तो बताऊंगा, मैं यहाँ पे छोटा थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर कहीं लगा हुआ है x प्लस प्लस और लिखा हुआ है प्लस प्लस x, दोनों का ही मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 1, बस अंतर सिर्फ इतना है, इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, सपोज करो x की वैल्यू है 5, ठीक, ये सपोज करो मेमोरी एड्रेस है जहां पे x की वैल्यू 5 स्टोर है। तो अगर आप x प्लस प्लस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले वैल्यू रिटर्न होगी देन इंक्रीमेंट होगा, मतलब पहले 5 रिटर्न किया जाएगा देन नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू 6 होगी नेक्स्ट स्टेप। अगर प्लस प्लस x है इसका मतलब ये है कि मैं दूसरा फिगर बनाता हूँ, x और 5, अगर प्लस प्लस एक्स है इसका मतलब क्या है, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी इसी स्टेप में, देन फिर वैल्यू रिटर्न होगी। बात समझ में आ गई, दोनों डिफरेंस इसमें क्या है, पहले वैल्यू रिटर्न देन इंक्रीमेंट, इसका मतलब पहले इंक्रीमेंट देन रिटर्न। सेम कॉन्सेप्ट लगता है डिक्रीमेंट के साथ, अगर लिखा हुआ है एक्स माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है, दोनों का ही मतलब होता है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये हुआ पोस्ट डिक्रीमेंट और ये हुआ प्री डिक्रीमेंट। अंतर क्या है, इसमें पहले वैल्यू रिटर्न देन डिक्रीमेंट, इसमें पहले डिक्रीमेंट देन रिटर्न, ठीक।
अब देखिए यहाँ बाकी और डिटेल में लूप पढ़ेंगे तब और डिटेल में बताएंगे इसका स्टेप बाय स्टेप, जो नेक्स्ट स्टेप में बोल रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है तब बताएंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको एग्जीक्यूशन में कैसे लाएंगे आप। तो जेड इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर वाई दो जगह लिखा है, यहाँ और यहाँ, और एक्स यहाँ पर लिखा है, यहाँ और यहाँ। तो देखिए मेमोरी एड्रेस में जो भी वैल्यू जाएगी एक्स की वही दोनों जगह जाएगी, यहाँ की भी और यहाँ की भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप इन तीनों में से कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे, यूनरी वाला। तो यूनरी में भी राइट टू लेफ्ट, तो यूनरी कहाँ है, ये वाला और ये वाला, और राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो पहले कौन सा यूनरी सॉल्व होगा, ये वाला सबसे पहले। तो अब मैं यहाँ पर दो बॉक्स बना देता हूँ एक्स और वाई के लिए, ये एक्स का ये वैल्यू है और ये वाई के लिए है। एक्स की वैल्यू कितनी थी 5 और वाई की वैल्यू कितनी थी 5, दोनों की वैल्यू 5 डाल दी मैंने, ठीक। तो अब एक्स प्लस प्लस एक्स होगा, इसका मतलब क्या है, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट देन रिटर्न। तो एक्स की वैल्यू 5 की जगह पर क्या हो गई 6, तो अब एक्स की वैल्यू हो गई 6, तो यहां पर आ गया आपके 6 प्लस 6, ध्यान समझिएगा। अब y की वैल्यू थी 5, तो अब इसके बाद क्या क्या एग्जीक्यूट होगा, y माइनस माइनस। तो देखिए y की वैल्यू है 5, अब आप कहेंगे y माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्री इंक्रीमेंट था इसलिए 5 6 हो गया इसी स्टेप में। तो 5 की वैल्यू 4 तो होगी, लेकिन कब, अगले स्टेप में, बट इस स्टेप में करंट स्टेप में 5 ही चलेगा, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू 5 रहेगी, 4 कब होगी नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा कुछ है नहीं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 5, तो दोनों ही जगह पर 5 जाएगा, यहाँ पे भी 5 जाएगा और यहाँ पर भी 5 जाएगा, और x की वैल्यू क्या होगी 6, बस समझ आ गई। जो x की वैल्यू होगी प्लस प्लस x क्या हो गया अब 6, तो x की मेमोरी लोकेशन पर क्या वैल्यू स्टोर होगी 6, तो यहाँ भी 6 रिटर्न होगा और यहाँ भी 6 रिटर्न होगा। y की जगह 5 था, y माइनस माइनस क्या हो गया डिक्रीमेंट, तो ये डिक्रीमेंट होगा बाद में, पहले y की वैल्यू रिटर्न कर देगा, तो इसलिए दोनों जगह पर 5। अब आप आगे देखिए यूनरी ऑपरेटर सॉल्व, अब मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो 5 प्लस 30 प्लस 6। अब अरिथमेटिक ग्रुप, तो ये लेफ्ट टू राइट चलता है, 35 प्लस 6, अब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 41, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 41। तो ये हमारा, तो आपको मैंने दो तीन एग्जांपल दिए जहां पर हमारे प्रिसिडेंस और एसोसिएटिविटी यूज होती है। अभी कोई डाउट हो, किसी प्रॉब्लम में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो इसमें मेन समझने वाली चीज ये है कि प्रायोरिटी कैसे याद रखेंगे मैंने तरीका बता दिया, एसोसिएटिविटी कैसे याद रखेंगे वो मैंने बता दिया, कैसे यूज करेंगे वो भी तीन एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। इससे जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आउटपुट पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, थैंक यू।